अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन CS302 के मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल ऑफ कॉन्टेंट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर लेक्चर वन शो हो रहा है। एक्चुअल में जो लेक्चर वन है इसके अंदर आगे जितना भी कोर्स है उसका ओवरव्यू है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो दो टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशन आपने याद करनी है, वो है सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स एंड फंक्शनल डिवाइसेस। तो इसके अंदर मेनली आपको सीक्वेंशियल लॉजिक और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये पेपर में आ सकती है। उसके बाद लेक्चर नंबर टू पे आए तो यहाँ पे नंबर सिस्टम्स का टॉपिक है। अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर सिस्टम आ जाते हैं, तो ये जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं ये तमाम इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर एक नंबर सिस्टम है केव मैन नंबर सिस्टम, तो उसकी आपको एटलीस्ट 5 तक काउंटिंग आनी चाहिए क्योंकि उसकी काउंटिंग या उसके किसी एक सिम्बल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, बाइनरी अर्थमेटिक, साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स, वन एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तमाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद लेसन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत कम चांसेज हैं कि इसमें से क्वेश्चन है। हेक्साडेसिमल नंबर्स ये इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि इनकी कन्वर्जन के मेथड आ सकते हैं कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और इस तरीके से वॉइस वर्सा, ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर्स, तो इसके रिलेटेड भी सेम है कि इसके कन्वर्जन के मेथड पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद एक्सेस कोड, बीसीडी कोड, ग्रे कोड, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बीसीडी कोड है ये बाकी दो की नस्बत इसे आप थोड़ी वेटेज ज़्यादा दे सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कोड आप याद कर लीजिएगा। और इसकी तो अर्थमेटिक भी आ जाती है अक्सर बीसीडी कोड की, लेकिन वो आगे एक टॉपिक है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। फिर तो उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कोड्स हैं, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ASCII कोड है, एक्सटेंडेड ASCII कोड है, तो डेफिनेशन इसकी याद कर लीजिएगा। और पैरिटी मेथड क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स, और इसके अंदर फिर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इन तमाम गेट्स के जो फंक्शनल टेबल हैं जिन्हें हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं, वो आपको आने चाहिए। और बेसिक इनका जो सिंबल है वो आपको आना चाहिए, पेपर में सिंबल भी आ सकता है। फिर उसके बाद लेसन नंबर 6 है लॉजिक गेट्स एंड ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स। 4-5 ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से अक्सर कोई एक पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स ये इंपॉर्टेंट है, इनका सर्किट भी आ सकता है और इनका ट्रुथ टेबल भी आ सकता है। फिर उसके बाद डिजिटल सर्किट्स एंड ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स, जिस तरीके से लॉजिक गेट के ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स में कोई एक पूछा जा सकता है, सेम इस तरीके से डिजिटल सर्किट के ऑपरेशनल करेक्टरिस्टिक्स में किसी एक करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन आ सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दो टॉपिक हैं, इन्हें मैं कोई ज़्यादा वेटेज नहीं देता पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। ये फिर ऊपर वाला टॉपिक यहाँ पर दोबारा रिपीट किया हुआ, तो उसके अंदर वही है कि जो करेक्टरिस्टिक है उसमें कोई एक पूछा जा सकता है। बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सिंप्लीफिकेशन है उसके डिफरेंट मेथड हैं, इसके अंदर एक मेथड ये है कि बाय यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, या रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो आपको लॉज भी आने चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए, डी मॉर्गन थ्योरम भी आपको आना चाहिए, और इन्हीं को यूज़ करके फिर आगे जो सिंप्लीफिकेशन कुछ की हुई है या कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दो फॉर्म्स आ जाती हैं, एक है SOP फॉर्म और दूसरी है POS फॉर्म, और फिर इनकी कन्वर्जन SOP टू POS, और इस तरीके से POS टू SOP, और मिन टर्म और मैक्स टर्म, ये तमाम टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पार्ट ऑफ व्यू से। तो इनके अंदर कोई इस किस्म का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसे आपने स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर स्टैंडर्ड POS फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या ये भी हो सकता है कि आपको कोई SOP फॉर्म दी गई हो और उसको POS फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई POS फॉर्म दी गई और उसे SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 है, इसके अंदर कार्नोफ मैप एंड बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, इनकी ग्रुपिंग करना और इनकी सिंप्लीफिकेशन करना, और इसके अंदर डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन जो कार्नोफ मैप है इसका अगर कंप्लीट क्वेश्चन आए तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो हो सकता है पेपर के अंदर इतना लेंथी क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और उस एक्सप्रेशन को आपने K मैप के अंदर पुट करना हो।
या ये भी हो सकता है कि आपको कोई के मैप दिया जाए और उस के मैप के अंदर ग्रुपिंग करके आपने वहां से सिंप्लीफाइड आंसर लिखना हो, तो इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर तो उसके बाद फाइव वेरिएबल के मैप, नॉर्मली फाइव वेरिएबल के लिए के मैप को यूज नहीं करते, तो इसको अगर आप स्किप करना चाहें फाइव वेरिएबल के लिए तो आप स्किप कर सकते हैं। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कंपेरिटर्स का टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टू बिट कंपेरिटर और इसका फंक्शनल टेबल वगैरह ये पेपर में आ सकते हैं। क्विन मैकलस की सिंप्लीफिकेशन मेथड, ये मेथड भी के मैप की तरह बहुत ज्यादा लेंथी होता है, तो इसके चंद एक स्टेप्स आ सकते हैं। हो सकता है आपको फर्स्ट स्टेप का टेबल गिवन हो और उसे देख के सेकंड स्टेप का टेबल बनाना हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास लास्ट में जो एक टेबल क्रिएट होता है वो टेबल मौजूद हो और उसको देख के सिंप्लीफाइड आंसर लिखना हो, तो इस किस्म का कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। कंपैरेटर का सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में सर्किट भी आ सकते हैं, तो अगर कोई सर्किट आता है तो वो डिजाइन करने के लिए आपके पास दो तीन ऑप्शन है। सबसे आसान जो उसको होता है वो तो ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन करें, उसके अंदर कोई भी डायग्राम है वो ड्रॉ करें और उसको वहां से कॉपी करके जो आपका एग्जाम्पल वाला सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर पेस्ट कर दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप एमएस विजियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स को वो यूज करना नहीं आता, तो उसको अगर आप यूज करें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। पेपर के अंदर इस चीज की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होती कि आपने सर्किट कितना अच्छा बनाया हुआ है या कितना आपने प्रेजेंटेबल तरीके से बनाया हुआ, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है। जस्ट ये होना चाहिए कि आप सर्किट बनाएं और उसकी समझ लगे कि इसके इनपुट क्या है, इसके आउटपुट क्या है। और इस तरीके से पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई सर्किट गिवन हो, उसके इनपुट पे कोई एक्सप्रेशन लिखा हो और आपने उसे देख के उसकी आउटपुट बतानी हो, तो इस किस्म के क्वेश्चन तमाम सर्किट, जिस तरह ये कंपेरेटर सर्किट हो गया या इसके अलावा चंद और सर्किट्स हैं वहाँ से भी आ सकते हैं। ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका फंक्शनल टेबल या फिर इसकी टाइमिंग डायग्राम आ सकती है। उसके बाद लेक्चर नंबर 14 है, इसके अंदर ये फर्स्ट तीन टॉपिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेशन ऑफ ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट और हाफ एडर एंड फुल एडर। खासतौर पे हाफ एडर एंड फुल एडर वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट दो टॉपिक हैं पैरेलल बाइनरी एडर, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है और इस तरीके से कैरी प्रोपिगेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। बीसीडी एडर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कोई नंबर्स भी दिए जा सकते हैं कि इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसकी जस्ट डेफिनेशन याद कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेसन नंबर 16 में देखें तो कंपेरिटर्स, डिकोडर, बाइनरी डिकोडर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इनकी अच्छे से तैयारी करनी है आपने। इसके साथ एमएसआई डिकोडर, इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा कि ये क्या होता है। फिर लेसन नंबर 17 के अंदर 3 to 8 डिकोडर, ये जब आप डिकोडर की डेफिनेशन देखेंगे उसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। उसके बाद इनकोडर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइनरी इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर, ये तमाम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डी मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशन भी। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसके अंदर पी रॉम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। इसकी जो टाइप्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी होती हैं, रॉम है, पी रॉम है, ई पी रॉम है, डबल ई पी रॉम है, तो वो टाइप्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद पी एल है, पी एल, जी एल, इनकी जस्ट डेफिनेशन देख लें, अदरवाइज ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद लेसन नंबर 20, इसके अंदर ऑल मैक का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ कॉन्फिग्रेशन मोड हैं वो मोड्स आपको आने चाहिए और कॉम्बिनेशनल मोड की आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ट्राई स्टेट बफर, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एबल लैंग्वेज, बुलियन ऑपरेशन एंड बुलियन नोटेशन और टेस्ट वेक्टर, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पार्ट ऑफ व्यू से। और लेक्चर नंबर 22 की बात करें तो लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, नैंड गेट बेस एस आर लैच और नॉर गेट बेस एस आर लैच, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका करेक्टरिस्टिक टेबल और उसके साथ इनकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। तो जो मिड का आपका पेपर है वो नॉर्मली 22 लेक्चर में से होता है और इसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी टॉपिक को आप बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन फिर भी चंद एक टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए जिसमें से नॉर्मली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन चंद टॉपिक्स जिन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा एम्फोसाइज किया है उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। खासतौर पर जो लास्ट वाले 4-5 लेक्चर होते हैं और जो स्टार्टिंग वाले 4-5 लेक्चर होते हैं उनमें से मैक्सिमम पेपर आ रहा होता है अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर की, तो ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट 22 लेक्चर में से किसी भी जगह से आ सकता है।
ये सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिजाइन वाला, इसके नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पेपर होते हैं वो पास पेपर में से आते हैं, तो डिफरेंट फाइल्स आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। खासतौर पे जो ऑब्जेक्टिव है वो तो नॉर्मली उधर से ही आ रहा होता है, जो सब्जेक्टिव है वो हर दफा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी अगर आप पास पेपर वाली फाइल देखें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।